शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाबा, मेरी शादी हो रही है, आपको खुशी नहीं हुई? पागल, दुनिया में कोई भी ऐसा बाप नहीं होगा जो अपनी बेटी की शादी की बात सुनकर खुश ना हो। बस हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर तू अपनी पढ़ाई पूरी करके शादी करती तो हमें ज्यादा खुशी होती। चल, नहीं, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। मॉम, हाँ? आप मेरे साथ चलिए, मैंने अपनी शादी के लिए डेस्टिनेशंस निकाली है, मुझे आपको दिखाना है। आप चलिए मेरे साथ, अभी चलिए। जी पागल हो ही जा रही है। अच्छा बासन, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे कप चाय पिला दे। हाँ, अभी लेके। इसका तो अभी रिश्ता पक्का हुआ है और ये मैडम है कि अभी डेस्टिनेशंस देख रही। अच्छा वो सब छोड़, कहाँ थी तू इतने टाइम से? पता है मैं इतनी गुस्से में थी, कब से फोन लगाई जा रही थी, क्या कर रही थी इतनी देर? मत पूछ यार, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सारे ग्रह हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ पता नहीं क्या साजिश कर रहे हैं। कुछ नहीं, तेरे लूटे तेरे तेरे नैना, तेरे नैना लूटे चैना, तेरे नैना तेरे नैना लूट जैना। चुराया तूने ख्वाबों को, जगाया तूने रातों को, सताया तूने आंखों को। जाने आवे जाने आ, हमारी मुलाकातें हो, प्यार वाली बातें हो, शबनमी रातें हो। जाने आवे, हमारा घुंघरू वापस करो। एक तो तुम्हारी वजह से आज हमें इतना सब कुछ झेलना पड़ा है, घर जाने में भी देरी हो गई और तुमने हमारा इतना प्यारा सा दुपट्टा फाड़ दिया। तो तुम्हें इन सब बातों को लेकर मुझसे लड़ाई करनी है? हम कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करते हैं, गुस्सा तो तुम्हारी नाक पर चढ़ा रहता है हमेशा, फालतू की बकवास करते हो। ओ हेलो, मैं कोई गुस्सा वुस्सा नहीं करता और ना कोई फालतू की बकवास। गुस्सा? कैसा गुस्सा, किस पे गुस्सा? अरे पापा, ये ओ, तो यहाँ आशी नहीं थी, मेरे ख्यालों में उसका चेहरा था बस और मेरी सोच में उसकी बातें। ये मुझे क्या हो गया है? सिट बेटा, क्या हुआ? क्या तुम अपने आप से बातें कर रहे थे क्या? वो पापा, कॉलेज में प्ले है तो बस उसी के लिए रिहर्स कर रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, पर हमें पूरा यकीन है कि इस प्ले का हीरो तो तू ही होगा, लेकिन हीरोइन कौन है? अरे आप बिना मत। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? आपने शोरूम से जो पैसे लाने को बोला था ना, मैंने वो लाके आपके रूम में रख दिए थे। गुड, बैठो। बेटा, हमें तुम पर बड़ा गर्व है, तुम हमारे बड़े होनहार बेटे हो। पिछले 3 सालों में जो तुमने बिजनेस को आगे बढ़ाया है वो तारीफ काबिल है। ये घर, ये पैसा, ये बिजनेस, सब कुछ तुम्हारा है, बस हम तो इसे संभाल रहे हैं। अगर आप मेरा कदम कदम पर साथ नहीं देते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। बेटा, हमने तो सिर्फ तुम्हें सपोर्ट किया है साइड में खड़े होकर, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी लगन और तुम्हारी स्मार्टनेस से ही आज ये बिजनेस यहाँ तक पहुँचा है। जो तुम्हारी नजरों में जुनून है, जो कुछ करने की चाह है, वही चाह मैंने उस लड़की की आंखों में भी देखी है। कौन सी लड़की? अरे वही लड़की जिससे तुम आज पैसे लेने स्टोर पर गए थे। और हम यहाँ पे इसलिए जॉब कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पापा ने हमें अपनी तरफ से सामने से आके जॉब ऑफर की थी, हमारी काबिलियत देख के। अच्छा अच्छा, आप उस लड़की की बात कर रहे हैं, लेकिन पापा अगर आप मेरी माने तो हमें उसे हायर करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा तो चल रहा है, एक और स्टाफ। नहीं नहीं बेटा, वो लड़की बहुत समझदार और होशियार है।
नहीं पापा, मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूँ, होशियार होगी, बट अगर उसे जॉब ही दिलवानी है तो किसी और स्टोर में दिलवा दीजिए, हमारे स्टोर में क्यों, हमें तो स्टाफ की जरूरत है ही नहीं। बेटा हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उस लड़की को स्टोर पर रखना नहीं चाहते? अगर कुछ बात है वो तुम हमें खुलकर साफ साफ बता सकते हो। वो लड़की मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है तो वो मेरे लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड और मुश्किल हो जाएगा ना। ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि वो लड़की हमारे लिए बहुत लकी है। आज पता है तुम्हें, उसके आते ही हमारे स्टोर की सेल 2 गुना हो गई और आज उसने आते ही हमें जख्मी होने से बचा लिया। अगर आज वो नहीं होती ना तो पता नहीं इस वक्त मैं हॉस्पिटल में होता। सिड बेटा, वो लड़की हमारे लिए बहुत लकी है। लेकिन अब मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं उस लड़की से दूर रहना चाहता हूं। आज मैं बहुत खुश हूं, तो मैंने सोचा ये खुशी आप सबके साथ शेयर की जाए। वी की शादी फिक्स हो गई है, तो इसी खुशी के मौके पर मैं आप सबके साथ ब्राइडल मेकअप शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों को वी जैसा स्टाइल कहाँ देखने को मिलेगा। Cuz East or West, we is the best. ये क्या कर दिया तुमने? माँ ने कहा था ना मैं दुल्हन बनने वाली हूँ और तुम्हारा साया भी मुझ पर नहीं पड़ना चाहिए। विद्या दी, ये क्या आप कुछ भी बोलने जा रही हो? अरे यार, वी बोला कर मुझे वी, और तू मुझे क्या ज्ञान दे रही है? अगर माँ ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। और एक सेकंड, तुझे इसकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तुम दोनों तो सीरियस हो गए यार, मैं तो मजाक कर रही थी, यू नो जस्ट फॉर फन। दी, आप ये कैसे मजाक कर लेती हो? दिल पर लगती है बातें, थोड़ा सोच समझ कर बातें किया करो। तू ना इतना भावुक मत हुआ कर, हर चीज का इतना बतंगड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके ना नखरे कुछ बढ़ते ही जा रहे हैं आजकल। महलों की रानी जो बनने वाली हूँ मैं, वैसे मैं ना बहुत सैड हूँ। अब अगर आशी मेरी शादी में आ पाती तो मेरे तो शादी के सारे काम हो जाते, सारी अरेंजमेंट्स हो जाती, सब कुछ हो जाता। लेकिन अब ये नहीं आएगी तो मेरी शादी के काम कौन करेगा, किसको ढूंढूं मैं? वैसे हम आपकी शादी में शामिल तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि आपकी इतनी अच्छी जगह शादी हो रही है, आप इतनी खुश है, और हम प्रार्थना करते हैं कि आपको हमेशा इतनी खुशियां मिलती रहे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. कितना good morning? मगला नहीं हो आजकल तुम? क्या हो गया? चलो। मैं कमिन सर। कमिन सर, ये एनुअल सेल्स रिपोर्ट रेडी है, आप प्लीज चेक कर लीजिए। ओके। हाँ एकदम ठीक है, लो सर फाइल। नहीं नहीं मैं देख लूंगा, तुम जाओ। ठीक है सर। क्या हो रहा है मुझे यार, सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। ओ कहाँ खो गए भाई? सिद्ध कहाँ खो गए? हाँ
अच्छा हम क्या कहते हैं आज की शाम हो जाए नशीली जाम के नाम। ऐसा ऐसा बहुत टाइम हो गया भाई जाम नहीं पिए। पता जाम पे जाम पिएंगे और तुम्हारे दिल की बात सुनेंगे। क्या कहते हो क्या कहा ऐसे बात कर रहे हो? प्लीज एक एक जाम प्लीज। गीत हाय से क्या कर रहे हो? ऑफिस में हूँ काम कर रहा हूँ। तुम्हें अपनी गीत की याद नहीं आती क्या? जब देखो तब बस काम काम और काम। अभी ऑफिस में हूँ गीत काम काफी है। तो अब तुमने सोच ही लिया है कि अपनी होने वाली बीवी से रोमांटिक बातें करनी नहीं। चलो सही है फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ। अच्छा सुनो अमृता आंटी क्या पूजा है? मम्मी का कॉल आया था कि हमें इन्वाइट किया है। नहीं नहीं गीत मैं नहीं जा पाऊंगा ऑफिस में बहुत काम है। सिर लेकिन सब जाएंगे सबको इन्वाइट किया है। तुम भी थोड़ा सा टाइम निकाल लो ना। तुम सबके साथ चली जाओ ना मैं नहीं आ पाऊंगा गीत। क्यों किसी से मिलने जाना है क्या किसी स्पेशल से? गीत ये फालतू की बातें मत सोचो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे को ऑफिस में सच में काम है मैं नहीं निकल पाऊंगा। हाँ तो हम तुमसे कुछ सवाल करेंगे और तुम उसका हमें सही से जवाब दोगे। तो बताओ तुम आशीष से दूर भाग रहे हो या खुद अपने फीलिंग से? तू ना पागल हो गया एकदम। क्या मतलब है तुम्हारा? सिर्फ सुनो हमारी बात। हम ना तुमको आज से नहीं जानते बचपन से जानते जब तुम इतने थे ना तब से जानते हैं। फिर एक्टिंग काहे कर रहे हो हमारे सामने? तुम्हारी हालत देख के लग रहा है कि तुम्हारे दिल में आशी के गाने बज रहे हैं। तो फिर ये अपने आप से झूठ बोल के गीत क्यों गाया जा रहे हो भाई? ना मैं सच तो कह रहे हैं सिद्धार्थ। मैं भी देखती हूँ कि सिर्फ कैसे नहीं आता है।